Hi, good morning dear students. Dear students, today I am going to deal function of noun. It is most important for learners, function of noun. Yesterday in your previous class, यानी पिछले क्लास में आपने देखा noun के कितने parts होते हैं, noun क्या है. आज आप देखेंगे function of noun, noun के काम को कैसे हम लोग sentence में करते हैं और किस रूप में noun का काम होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ नाउन आज हम लोग देखेंगे. इसलिए कि फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज का. आप पिछले क्लास में देखे थे कि कितने पार्ट्स होते हैं, डेफिनेशन क्या है, लेकिन आज आप देखेंगे फंक्शन यानी कि इसके कारण, नाउन के कितने कारण और कितने तरह से नाउन काम करते हैं सेंटेंस में. तो आप ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे. बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं बताने जा रहा हूँ, वेरी क्रिस्टल क्लियर, यानी कि एक बार देखने के बाद नाउन के जो फंक्शन है शायद आपके दिमाग में बैठ जाएगा और नाउन से रिलेटेड जो डाउट्स है ना वो एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा. तो आप ध्यान से देखेंगे. अब देखिए आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, फंक्शन ऑफ नाउन, यानी कि फंक्शन मीन्स होता है कारण, ऑफ मीन्स होता है का, नाउन मीन्स होता है संज्ञा. तो संज्ञा का फंक्शन यानी कि संज्ञा का काम क्या है, ये कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज है. तो आज ध्यान से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह का फैंटास्टिक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता ही रहेगा. तो आप चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोनों काम कर दीजिए क्योंकि इससे आपकी बेनिफिट है, साथ में मेरी तो रहेगी. तो आप इधर देखेंगे कि फंक्शन ऑफ नाउन यानी कि नाउन के कार्य को हम लोग देखेंगे और सेंटेंस में किस तरह से कार्य करता है इस बात पे भी हम लोग ध्यान देंगे. कितने तरह से काम करता है, ऐसे तो बेसिक फीचर्स नाउन के बहुत कुछ है क्योंकि एवरीथिंग नाउन, नाउन इज एवरीथिंग है, तो फिर एवरीथिंग का एवरीथिंग वर्क है. बट जो इम्पोर्टेंट पिलर्स है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, फीचर्स है, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले नाउन जो सेंटेंस में आता है वो एज ए सब्जेक्ट आता है. सबसे पहला आप देख रहे हैं ना जहाँ लिखा हुआ है नाउन कम्स एज ए सब्जेक्ट, यानी कि नाउन सबसे पहले वर्ब में सेंटेंस में किस तरह आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है. सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता यानी कि द वर्ड. अब ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है, सब्जेक्ट के रूप में. फिर सब्जेक्ट को भी डिटेल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी आप नाउन के फंक्शन को देख रहे हैं. तो सबसे पहले बात करना ये जरूरी है कि नाउन किस तरह आता है, तो सब्जेक्ट के रूप में आता है जिसका हिंदी कर्ता होता है यानी कि डोअर होता है. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसमें सबसे पहले सेंटेंस में भी आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट का काम कैसे करता है, यानी कि डोअर. राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ये सेंटेंस एग्जांपल में राधा सिंग्स अ सॉन्ग. तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि राधा सिंग्स अ सॉन्ग यानी कि ये जो वर्ब है, काम है गाने का, तो ये जो गाने का काम है ये कौन कर रही है, तो राधा कर रही है, यानी ऑब्वियसली ये जो राधा है ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि काम करने वाले यानी कि डोअर को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसके पिलर्स है वो कौन से है, तो ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन कम्स एज एन ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट के बाद फिर कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका हिंदी उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट कहने उद्देश्य होता है, ये ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है. कौन काम करता है, तो नाउन काम करता है, यानी कि नाउन का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है ना, ये फंक्शन है, वो ऑब्जेक्ट का है. अब ये ऑब्जेक्ट का कैसे काम करता है ये भी ध्यान से देखना है और मैं इसी एग्जांपल में उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब मेन वर्ब के बाद कोई नाउन आता है, मेन वर्ब यानी कि एक्शन के बाद, और वो डायरेक्ट उससे प्रभावित होगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इसके हालांकि दो पार्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली यूज होता है, इनडायरेक्टली होता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को अभी डिनोट करेंगे, देखेंगे. तो इसी सेंटेंस में देख लीजिए, राधा सिंग्स अ सॉन्ग यानी कि राधा गाना गाती है. तो राधा गाना गाती है, तो सबसे पहले तो ये राधा एक नाउन यहाँ है, सब्जेक्ट का काम करना. दूसरा जो यहाँ पे वर्ब है यानी कि एक्शन है, तो राधा काम करती है. अब उद्देश्य देखिए कौन काम करती है, तो गाने का काम, यानी ये जो नाउन है ना ये ऑब्जेक्ट हो गया. ये सेकंड, तो पहला ये नाउन है, दूसरा ये नाउन है, तो सेकंड जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट हो गया. अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है ना वो है कॉम्प्लीमेंट का. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, यानी कि किसी सेंटेंस में ऐसा नाउन आता है और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर देता है यानी कि पूरा कर देता है. तो नाउन आगे किसी सेंटेंस में उसके मीनिंग को पूरा कर दे उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि जब ऑब्जेक्ट होता है तो एमवी कैरी होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा और एमवी के बाद जो नाउन आएगा ना ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माय डियर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा. लेकिन ध्यान रहे ये पहला स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस
जो नाउन आएगा ना ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें एच बी रहेगा और इसमें एम बी रहेगा, ये ट्रिक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सेकंड में आप इस दोनों में कॉमन एरर्स खोज लेंगे और इस स्ट्रक्चर में मोस्टली कॉमन एरर्स होता है, तो इस कॉमन एरर्स को खोजने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हमेशा चाहिए और एग्जामिनेशन में जो नाउन रिलेटेड कॉमन एरर्स होगा उसमें एक भी गलती आपका नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दोनों स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, जब सेंटेंस में एम बी हो, जैसे आप इसे दोनों स्ट्रक्चर पे सेंटेंस देख लीजिए, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि ये एम बी है, ये ऑब्जेक्ट कह रहा है, यहाँ पे एच बी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नाउन आया, यानी कि ये जो नाउन है ना, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि इस नाउन का जो फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो आप कॉम्प्लीमेंट भी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है वो क्या है, नाउन एज अ नंबर, यानी नाउन का फंक्शन जो उसके बाद है वो नंबर का है, नंबर आप जान रहे ना कि ये दो होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है दूसरा प्लुरल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर और प्लुरल नंबर तो है बट वो नंबर भी नाउन ही रहेंगे, तो फिर ये कैसे काम करता है वो भी आप देख लीजिए। जो नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, आई लव राधा, यहाँ पे एक लड़की है, यानी कि राधा यहाँ पे एक लड़की है, आई लव राधा यहाँ पे नाउन देख दिए, यानी कि ये सिंगुलर है, ये जो नंबर है ना ये नाउन का ये सिंगुलर है, और नीचे देख लीजिए आई लव देव, इस सेंटेंस में ही आप देख लीजिए आई लव दे राधा एंड सुधा, यानी कि ये दो लड़की है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लुरल नंबर यूज किए। अब नंबर के साथ साथ इसमें एक और फंक्शन है नाउन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर यूजर्स के लिए, जो कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं या जिसे एग्जामिनेशन के पर्पज से पढ़ रहा है उनके लिए नाउन केस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउन केस है ना, केस एक चैप्टर ही है, एक चैप्टर ही अलग है केस, लगते हैं स्टूडेंट्स को अलग तरीके से केस को पढ़ते हैं, लेकिन ये नाउन का ही पार्ट है, नाउन का ही फंक्शन है और नाउन केस। अब ये केस तीन तरह से होता है, वोकेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो आप पढ़े हैं ना इसी बेस पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए क्या देव है, लेकिन यहाँ पे देव तो नंबर को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब है कि राधा यहाँ पे एक ही नाम लिख दिए, एक से अधिक लड़कियां है इसलिए हम यहाँ पे देव का यूज किए, यानी कि नंबर के साथ साथ केस भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम जब केस पढ़ेंगे तो डिटेल्स में केस का चर्चा करेंगे, नंबर पढ़ेंगे तो डिटेल्स में नंबर का चर्चा करेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल्स में कॉम्प्लीमेंट का चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल्स में ऑब्जेक्ट का चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपने क्या देखा, फंक्शन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कार्य को देखा, तो नाउन किस तरह काम करता है वो आप देख लीजिए, नाउन का पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, पांचवा फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, नाउन के। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इस चैनल पे बने रहिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।